दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये आपके सामने एक छोटा सा एम्पलीफायर का सर्किट है। इसको ऑन करने पर ये इसका ऑन ऑफ पॉइंट है। इसको ऑन करने पर इस तरह की आवाज़ आती है। ये देखो, इस तरह की आवाज आती है। जैसे ऑन करेंगे इस तरह की आवाज आती है। तो इस प्रॉब्लम को चेक करेंगे, क्या दिक्कत है, किस वजह से आती है। अब प्रोग्राम चल रहा हो और बीच में ऐसे अचानक आवाज आएगी तो आप कैसे ठीक करोगे, कैसे आपको पता लगेगा कि क्या है। ये खड़खड़खड़ की आवाज़ आ रही है ना, ये यही प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको अभी हम चेक करेंगे। ये ऑफ कर दिया मैंने, ये ऑन करा, ऑन करते ही गटर 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 आवाज़ आ रही है। ये प्रोग्राम के साथ साथ ये आवाज़ आती है इस एम्पलीफायर में। तो अभी इसको चेक करते हैं, फिर देखते हैं, बताते हैं क्या है। ठीक है, आप बने रहिए और देखें। छोटा सा एम्पलीफायर है लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, छोटी हो या बड़ी हो। तो हर चीज़ को सीखना चाहिए, इसलिए मैं इसको चेक करके फिर बताता हूँ। दोस्तों, इस एम्पलीफायर की प्लेट को मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद में इसको अच्छी तरह से थिनर से साफ कर दिया कि कहीं कोई ड्राई तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए मैंने अच्छी तरह से इसको साफ कर दिया और हल्का सा इसको हीट देकर सुखा लिया, क्योंकि कभी भी आप इसको किसी भी केमिकल वगैरह से अगर इसको साफ़ करते हैं तो इसको सुखाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसको हमने सुखाया है। सुखाने के बाद में अब इसको हम चला के देखते हैं ऑन करके कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। ये इसका मैंने ये स्विच ऑन कर दिया, इसका ये पैड इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, इस पैड को हम ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में अब इसमें किसी तरह की कोई गड़गड़ाहट जो आ रही थी पहले, अब नहीं आ रही और ये अब चालू है। उद्देश्य मेरा ये पियानो रिपेयर करना बताना नहीं था, उद्देश्य मेरा ये एम्पलीफायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ये प्रॉब्लम जो है अजीब सी लगती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें, किस तरीके से करें, लेकिन एक प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो गई है सिर्फ इसको सफाई करने से और सुखाने के बाद में इसको चलाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होने के बाद ही पता लगती हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, चलाएंगे, चेक करते रहेंगे, पड़ 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 करता रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। थोड़ा धैर्य से, शांति से इस काम को सीखें तो आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये देखो, ये ऑन है, ये एम्पलीफायर, ये इसका बैक साइड है। ठीक है, और ये इसका काम कर रहा है।
थी। ये जो पियानो है इसका यहाँ पर इस पॉइंट पे ये इसका काम नहीं कर रहा था। इसमें भी इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम निकली है। इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं दिखा नहीं पा रहा, इसमें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने एक तार लगाई है। तार क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई हो गया था, एक प्रिंट हल्का सा ब्रेक था, तो उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा साफ किया था, तो फिर इसको लेंस की सहायता से, ब्रीक प्रिंट है, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो लेंस की सहायता से मैंने इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में ये एक तार लगाई है मैंने, काली सी तार नज़र आ रही है, ये तार मैंने इस पे लगाई और इसका टाँका कर दिया। उसके बाद ये बटन इसका काम करने लग गया। अभी मैंने इसकी सप्लाई ऑफ कर रखी है, क्योंकि वो पीछे लगाना था और ये होता है सेंसिटिव, ठीक है। तो आज आपको इस एम्पलीफायर की जानकारी मिली। फॉल्ट तो इसमें छोटा सा था, सॉल्व हो गया तो छोटा है, सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत बड़ा है, ठीक है। यस, तो जुड़े रहिए और मिलते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं लाइक करते रहें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।